हे गाइस अगेन वेलकम टू माय चैनल बी स्टूडियस तो आज हम आप लोगों का जो चैप्टर था आर इन्मेंट क्लास टेंथ चैप्टर नंबर फिफ्टीन आज हम उसको उसके जो टॉपिक्स बचे हुए थे उसको हम कंप्लीट करेंगे और देन ये चैप्टर क्लोज़ करेंगे ठीक है तो हमने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था कि लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको एक्सप्लेन किया था इसी चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि इन्वामेंट की डेफिनेशन क्या है है ना व्हाट इज़ इको सिस्टम उसके अलावा हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सिस्टम है ना उसके बाद हमने आपको बताया था इकोसिस्टम सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स बताए थे हमने आपको ठीक है प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं हमने आपको ये बताया था कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं आज हम इसके आगे के टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे तो आगे देखिए आपका जो इन वो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका फूड चेन जिससे क्वेश्चन हर हर बार एक क्वेश्चन जरूर बनता है इसमें से चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे वो वेरी शॉर्ट में हो चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे वो आपके एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो सब में कहीं ना कहीं इसका इस टॉपिक का क्वेश्चन बनता है तो देख लेते फूड चेन क्या है इन अको इन इन एन इकोसिस्टम द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी ठीक है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर फॉर्म्स अ चेन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ फूड चेन ठीक है तो क्या है यहाँ पे कि देखिए हर एक इस, आपको पता है कि इकोसिस्टम क्या होता है इकोसिस्टम ये कहता है कि आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ठीक है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है हर एक ऑर्गेनिजम्स के बीच में ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारा फूड चेन बता सॉरी हमारा इको सिस्टम बताता है ठीक है तो उसी तरह से अब किस तरह से रिलेशन है कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ये सारी चीज़ें जो बताएगा वो आपका बताएगा फूड चेन ठीक है तो किसी भी कोई भी पूरे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारी अर्थ पे एक लिविंग क्रिएचर दूसरे पे डिपेंड है ठीक है अपने फूड के लिए अपनी एनर्जी के लिए ठीक है और इस तरीके से वो क्या करते हैं एक दूसरे पे डिपेंड हो करके वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इसी चेन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग फूड चेन कहते हैं तो फूड का ट्रांसफ़र होना फूड की जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र होना एक ऑर्गेनिज़म्स से दूसरे ऑर्गेनिज़म्स में और दूसरे से तीसरे में तीसरे से चौथे में तो इस ये एक बनाता है इसी 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 तरीके से एक ये फ्रेम करता है एक चेन लाइक स्ट्रक्चर और उसी चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फूड चेन ठीक है तो अगर आप इस फिगर में देख रहे होगे तो आप देखोगे ये प्लांट है इनको हमने प्रोड्यूसर्स बोला है प्ला प्लांट पे कौन डिपेंड है हमारे इंसेक्ट्स डिपेंड है ठीक है अब इंसेक्ट्स को कौन खाता है ये माउस खा रहा है और माउस को कौन खाता है ईग सॉरी आपका आउल है ठीक है तो यहाँ पे क्या है एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है हमारे आ, उनके फूड के लिए एनर्जी के लिए तो उसी ये क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर को इसी चेन को हम लोग बोलते हैं फूड चेन अ फूड चेन आल्सो शोज हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय द फूड दे ईट ठीक है तो फूड चेन क्या बताता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस तरीके से रिलेट करते हैं एक दूसरे से आगे देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फूड चेन अब फूड चेन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं ऑल द फूड चेन स्टार्ट्स विद एनर्जी फ्रॉम द सन अब देखिए आपको अच्छे से पता है कि कोई देखिए पहले तो चीज़ ये है कि फ़ूड चेन जब स्टार्ट होती है तो उसमें जो मेन मेन एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो सन प्रोवाइड करता है ठीक है आपको पता है अगर जैसे कोई भी आपके हर्बी बोर्स होंगे ठीक है तो हर्बी बोर्स जो होंगे वो किस पे डिपेंड होते हैं वो वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं हमारी को हमारी जो चेन है हमारी चेन जो भी होती है हरबी बोर्स से पहले प्रोड्यूसर्स पे आते हैं हम लोग अभी आपने वो जो एग्जांपल देखा हमने आपको बताया तो वो वो किससे स्टार्ट हो रहा है प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स ठीक है अब आपको मैंने पहले बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो वो अपना फूड खुद बनाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स और वो किसकी प्रेजेंस प्रजेंस बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट एंड क्लोरोफिल ठीक है क्लोरोफिलोफिल उनके पास ऑलरेडी है लेकिन उनको ज़रूरत पड़ती है सन सन्ला, लाइट की और सनलाइट कैसे मिलेगा सन से मिलेगा तो ऑल द फूड चेन स्टार्ट विद एनर्जी फ्रॉम द सन तो सारी फूड चेन कैसे स्टार्ट होती हैं सन की एनर्जी से ही स्टार्ट होती हैं ठीक है ठीके? जब तक सन जब तक सन नहीं होगा तो food, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाना बनाने के लिए सनलाइट प्रोवाइड नहीं होगी और वो खाना फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो बाकी जो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म से जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हैं तो वो उन पर डिपेंड नहीं हो पाएंगे ठीक है और ये फूड चेन हमारी स्टार्ट नहीं हो पाएगी तो क्या कह रहे हैं हम कि ऑल द फूड चेन्स स्टार्ट्स विद एनर्जी फ्राम द सन अब आगे आते हैं ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल मतलब अब देखिए अब ने अब हमने आपको बताया था कि प्लांट जो है वो उस पर कौन डिपेंड है वो उस पर ग्रास हॉपर डिपेंड है ग्रास हॉपर पे आपका आगे जो ऑर्गेनिजम्स पे सेव थे वो वो डिपेंड है जैसे कि आप देखिए ये प्रीवियस हमारी स्लाइड देखिए इसमें क्या है प्लांट पे कौन डिपेंड है इंसेक्ट इंसेक्ट पे कौन डिपेंड है हमारा माउस डिपेंड है माउस पे कौन डिपेंड है आउल डिपेंड है तो ये ये हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है जिस तरीके से यहाँ पे कितने लेवल्स हो गए चार लेवल्स हो गए ठीक है तो चार लेवल्स अब ये जो लेवल्स जो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें लेवल्स होते हैं इनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं ठीक है प्लांट का एक लेवल हो गया एक इंसेक्ट का हो गया एक माउस का हो गया एक ऑयल आउल का हो गया ठीक है तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं फूड चेन में तो इनको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो नाम क्या है आपका ट्रॉपिक लेवल या फिर आप उनको एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन विल बी अकॉर्डिंग टू टेन परसेंट एनर्जी रूल अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे एक न्यूमेरिकल जरूर आता है आपके एग्जाम में जो टेन परसेंट एनर्जी रूल है वो क्या कहलाता है टेन परसेंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टेन परसेंट ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ठीक है टू द नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल अब देखिए अब यहाँ पे क्या हमने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लांट की जो एनर्जी है वो वो सारी के सारी एनर्जी इंसेक्ट्स में आ जाएगी और ऐसा ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट्स की सारी एनर्जी माउस में आ जाएगी उनकी एनर्जी का सिर्फ टेन परसेंट ही आगे ट्रांसफ़र होता है आगे के लेवल्स में ट्रांसफ़र होता है ठीक है तो ये हमारा क्या कहलाता है टेन परसेंट रूल कहलाता है सपोज़ अगर आप ये फिगर को देखें यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टार्ट हो रही है एनर्जी लेवल प्लांट से ठीक है तो प्लांट के पास जो एनर्जी थी उसका टेन परसेंट ही ट्रांसफ़र हुआ सपोज़ इन केस आप मान के चलिए कि प्लांट के पास कुछ कुछ एनर्जी है ठीक है उसका टेन परसेंट किस में ट्रांसफ़र हुआ ग्रास हॉपर में ट्रांसफ़र हुआ अब ग्रास ओपन में कितनी एनर्जी आई यहाँ पे टेन थाउजेंड जूल एनर्जी आई ठीक है अब टेन थाउजेंड जूल एनर्जी में से इसका जो टेन खाली टेन परसेंट होगा वो किसको मिलेगा आगे फ्रॉक को मिलेगा तो अगर हम टेन थाउजेंड का अगर जूल का हम टेन परसेंट निकालें तो हमारे पास आ गया वन थाउजेंड जूल ठीक है अब ये वन थाउजेंड जूल फ्रॉग को एनर्जी मिल गई अब फ्रॉग को एनर्जी जब मिली है तो उसका आ, वन थाउजेंड मिली अब वन का फिर से हमने टेन परसेंट किया तो हमारा आ गया हंड्रेड जूल अब हंड्रेड जूल की जो एनर्जी है वो किसको मिलेगी नेक्स्ट लेवल को मिलेगी जो जो है स्नैक ठीक है अब स्नैक के पास आ गई हंड्रेड जूल की एनर्जी ओके okay, अब ये जो हंड्रेड जूल एनर्जी है ये आगे आगे ट्रांसफ़र होगी ठीक है अब तो हंड्रेड जूल के एनर्जी को अगर हम टेन परसेंट निकालें तो हमारा आ गया टेन आ, आ गया तो बेसिकली लास्ट का लास्ट की एनर्जी कितनी है टेन जूल तो ये लास्ट वाले जो ट्रॉपिक लेवल है उसको टेन जूल की एनर्जी मिल गई तो ये बात कहने का मतलब ये है कि हर एक एनर्जी लेवल में हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेन परसेंट ही ट्रांसफ़र होती है से ज़्यादा नहीं होती है ठीक है तो ये आपका हो गया टेन परसेंट एनर्जी रूल हो गया अब देखिए आपका आता है फूड वेब क्या आता है फूड वेब देखिए फूड चेन एक ही चेन एक ही चेन को शो करता है कि हाँ एक ही तरह से लेकिन फूड वेब अगर बहुत सारी फूड चेंज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी तो वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग फूड चेन फूड वेब बोलते हैं ठीक है ठीके? अगर आप देखो इस इस पूरे डायग्राम में तो आप देखोगे बहुत सारी चेंज फूड की बहुत सारी चेंज इन्वॉल्व हैं इसलिए हमने इसको बोला है फूड का पूरा वेब बोला है ठीक है अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस आ जाए डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब तो आप लिखोगे कि फूड चेन में एक ही चेन होती है फ़ूड वेब में बहुत सारी चेन होती हैं ठीक है फूड चेन जैसे कि आपने बोला कि यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फॉलो हो रही है लेकिन फूड वेब देखिए आप देख रहे हो बहुत से डायरेक्शंस में ये फॉलो हो रहा है ठीक है तो ये हो गया आपका फूड वेब हो गया अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ़ द फाइव जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल दैन हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द लाइन इन द फॉलोइंग फूड चीन अब ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुमेरिकल है ठीक है तो आपको मैंने एक न्यूमेरिकल समझाया अब इसी इसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको टेन परसेंट रूल पे ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ मैं ठीक है इसका आंसर्स मुझे आप लोग कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका आंसर निकल निकला है तो हम आपको फिर आपको फिर मैं बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं है ठीक है देन आई विल गिव यू रिप्लाई तो हमारा ये चैप्टर जो है आर एनवॉरमेंट का ये क्लोज हो रहा है ख़त्म हो गया ये चाप्टर इतना ही चैप्टर था इसी में से ही आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बनते हैं ठीक है थीके? तो आई होप कि आपको ये ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अब अगर अभी तक आपने मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस मिलती रहें और अगर आपको कोई कोई वीडियो चाहिए है अगर आपको आप चाहते हैं कि कि मैं उस पर्टिकुलर उस टॉपिक पे उस पर्टिकुलर चैप्टर पर कोई वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे मुझे प्लीज़ आप लोग एडवाइ

तो थैंक यू सो मच वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा आज के लिए इतना ही बाय बाय